हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर आ चुके हैं अपने प्लाट में। तो अब हम देखते हैं कि 7 डेज हो गए हैं यहाँ आए हुए, तो अब प्लाट की कितनी ग्रोथ हो चुकी है, मतलब प्लांट्स की। तो 7 दिन बाद में तो प्लांट्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ पे क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये जो हमने लहसुन बो रखा था उसकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है, ये इतने बड़े हो चुके हैं। पहले हमने वीडियो में देखा था तब ये छोटे से थे। यहाँ पे एक बेल भी शुरू हो चुकी है चलनी। ये जो गेहूँ थे ये पहले ग्रीन थे, अब ब्राउन हो चुके हैं, अब इनकी कटाई होगी। ये प्याज भी बड़ी हो चुकी है। और ये देखिए बेल, जब हमने देखी तब इनमें एक पत्ती थी, अब बहुत सारी आ चुकी है। बैंगन एज यूजुअल बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। इनके तो कई पेड़ ख़राब हो गए थे, तो इस एरिया में से वो पेड़ निकाल दिए गए हैं। ये कितनी सुंदर बटरफ्लाई उड़ रही है। ये मिर्च के पेड़ है, लाल मिर्च के। ये देखो इस पे लाल मिर्च आ रही है। तो अभी तो यहाँ पे एक ही पेड़ दिख रहा है मुझे। ये चने हैं, चने में भी ये चने आने शुरू हो गए हैं। ये बैंगन, गोल वाले जो बैंगन थे उसका पेड़ है ये, यहाँ पे वो लगे हुए थे। तो इस पे से भी हमने बहुत सारे बैंगन हम इनमें तोड़ चुके हैं, और भी इसमें भी लग रहे हैं बैंगन। वो देखिए, ये धनिया पकने के लिए छोड़ दिया था क्योंकि हमें इनका बीज चाहिए होता अगली बार उगाने के लिए, तो इससे बीज बनेगा। ये यहाँ पे प्याज है, उस साइड में भी पूरी प्याज ही बो रखी है। और यहाँ पे जो है ये भिंडी के बीज है। ये पालक, और इस साइड तो ये भी भिंडी की क्यारी लगा दी है। ये अनार का पेड़ है, इस पे अभी फूल आने शुरू होंगे। ये हमारी गोभी, ये बंद वाली गोभी, इसमें से हमने ये देखो ये खाली हो चुकी है, 4-5 ही बच रही है। ये लहसुन है, इनके भी बीज शुरू हो गए आने। ये देखो ऐसे फूल खिल रहे हैं ये भी। ये पुदीना है, बहुत बड़ा बड़ा हो चुका है, ये अभी लगाया था हमने कुछ टाइम पहले। ये रोज़ का फूल है, इसमें अभी एक रोज़ आ रहा है। इसमें बहुत सारे रोज़ आते हैं पर ये तोड़ के ले जाते हैं सारे घर। ये कस्तूरी मेथी, ये इसको भी हम सुखा के रख लेते हैं, फिर सब्जी वगैरह में डालने में, पूरी वगैरह में डालने में काम आती है। उसके बाद ये है फूल, इसमें कई तरीके के फूल आते हैं, जैसे वाइट है, येलो है, पिंक भी आता है, अभी तो वाइट और येलो ही आ रहे हैं। इसमें 2-3 तरीके के फूल आते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी ये थोड़ा सा धनिए का बीज था, ये भी पूरा धनिया पक चुका है, तो इसमें भी अब बीज आएंगे। ये पक गया तो इस पे भी फूल आने। ये है ककड़ी की बेल, ये अभी छोटे छोटे से बीज लगाए थे, अभी ये होने शुरू हुए, तो इसकी भी बेल ही आएगी। ये पूरी लाइन में ककड़ी के बीज लग रहे हैं। यहाँ पे फिर से फूल है, ये देखिए कितनी सुंदर है। यहाँ पे फिर से थोड़ा सा पुदीना अलग लगाया था कि अगर वो नहीं होगा तो ये हो जाएगा। उसके बाद ये फिर दोबारा से लहसुन है यहाँ, और यहाँ जो सिरसों थी वो काट दी गई है। ये देखिए यहाँ पे भी कस्तूरी मेथी है, और ये हमारा नीम का छोटा सा पेड़। ये हमारी सेम की फली की बेल, इस पे अभी आ रही है। इस पे हमने इतनी सब्जियाँ तोड़ लिया फिर भी ये फली ख़त्म नहीं होती है, इस पे तब भी आ ही रही है। हमने बहुत सारे रिश्तेदारों को भी पहुंचा दी, बट फिर भी हम भी खा खा के पक चुके हैं इस सब्जी को, और फिर भी देखिए कितनी ज़्यादा लग रही है अभी तो। अब तो इस सब्जी को कोई खाता भी नहीं है। देखिए देखिए,
और ये है राई। ये यहाँ पूरे एलोवेरा के पेड़ लग रहे हैं लाइन से, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे सरसों थी तो इसलिए ये पूरा दिख नहीं रहा था, तो अब ये दिखने लगे हैं। और ये लग रहे हैं पपीते, ये पपीते का पेड़ है, अब इस पे पपीते लग रहे हैं। ये अनार का पेड़ है, इस पे भी फूल आ रहे हैं, अभी तो अभी लगे ही नहीं है। ये जो है ये टमाटर का पेड़ है, और इस पे अभी हरे हरे टमाटर आने शुरू हुए, अभी तो ये बहुत छोटे छोटे हैं। ये देखिए बहुत अंदर तक है ये, तो ये सारे छुपे हुए हैं अभी तो, क्योंकि अभी अभी ये आने शुरू हुए, तो अभी अभी ये छोटे, अभी तो इस पे फूल भी है कई कई जगह पे। ये देखिए, और ये है चकुंदर, तो इस साइड में पूरे में चकुंदर लगे हुए हैं। और इस नींबू पे अभी छोटे छोटे नींबू आ रहे हैं, अभी बड़े हो जाएंगे। ये है कड़ी पत्ते का पेड़, इस पे तब हमने पहले देखे थे तो बहुत कम पत्ते थे, अब आ गए हैं। ये देखिए, इस वाले अनार पे बहुत ज़्यादा फूल आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा फूल इसी वाले अनार पे आ रहे हैं, और इस पे अनार भी आने शुरू हो गए, जैसे ये आ रहा है, एक वहाँ पे आ रहा है, तो कहीं कहीं इस पे तो आने भी शुरू हो गए हैं। ये चीकू हमेशा लगे ही रहते हैं, ये अब भी नहीं पके हैं, पता नहीं कब पकेंगे, इतना मोटा हो रहा है पर ये अभी तक पका नहीं है। और ये देखिए कितना छोटा सा, अभी ये भी अनार का पेड़ है, इस पे भी अनार आने शुरू हो गए हैं। पर इस पेड़ की खास बात ये है, इसके अनार मोटे होते पर इनके बीज जो है वो वाइट ही रहते हैं पकने के बाद भी, और इस वाले के जो है वो रेड बीज होते हैं, तो अलग अलग है। ये है जामुन का पेड़, पर अभी इस पे फूल वगैरह आने कुछ शुरू नहीं हुए है। तो ये थी आज की हमारे प्लॉट की छोटी सी अपडेट। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।